चलो बताओ फिर। देखो पहला क्वेश्चन अपने पास है, सेमेस्टर है तीन, ठीक है, सेमेस्टर नंबर तीन है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, आराम से कर लेंगे, कोई बात नहीं। इसको थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की स्लिप गति, ठीक है, यानी कि हमारे पास स्लिप स्पीड की गणना करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, ये पूछ रखा है इसमें, ठीक है। देखो हमेशा किसी भी वैल्यू के हम स्लिप निकालते हैं, स्लिप का मतलब क्या होता है, अंतर, ठीक है, स्लिप का मतलब क्या होगा, अंतर होगा। अंतर हमेशा क्या होता है, देखो दो हमारे पास स्पीड बनती है, एक तो होती है एन एस स्पीड, एक हमारे पास क्या रहेगी एन आर यानी कि रोटर स्पीड। इसमें हमेशा ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, एन एस हमेशा ग्रेटर देन होता है किससे, एन आर से, ठीक है। तो हमेशा ज़्यादा में से कम को माइनस करना है, तो एन एस माइनस क्या रहेगा, एन आर, ये हमारे पास स्लिप का फॉर्मूला है और स्लिप ही पूछ रखा है इसके अंदर। बाकी अगर यहाँ ये देखते हम, ठीक है, अगर परसेंटेज में देते तो हम करते फिर, ठीक है ना, परसेंटेज में देते तो एन एस माइनस एन आर बटा में एन एस गुणा में क्या करते, सो, फिर डी आता, परसेंटेज करते तो डी आता, ठीक है। अगर मान लो आपको बोल दें स्लिप एट परसेंटेज कितना होगा, तो हमारे पास क्या है, एन एस माइनस एन आर बटा में एन एस गुणा में क्या होगा, सो, ये हमारे पास परसेंटेज के लिए स्लिप का फॉर्मूला होता है। एक पर्सन कन्फर्म आना है स्लिप से, तो ये आप पक्का कर लोगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखो। उसके बाद हमारे पास ये एक सर्किट दे रखा है आपको, नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है, कंट्रोल सर्किट है एक, ठीक है। कंट्रोल सर्किट में ध्यान रखना आपको, स्टॉप और स्टार्ट कहीं पर लिखा मिले तो वो हमारे पास कौन सा होगा, इचिंग कंट्रोल हमारे पास ये सर्किट होता है, ठीक है। उसके बाद मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए आज सुबह ही हमने किया था कि हमारे पास थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर क्या होता है, पी बटा दो थीटा मैकेनिकल रहेगा, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। थीटा इलेक्ट्रिकल की वैल्यू होती है 180 डिग्री और थीटा मैकेनिकल की वैल्यू हमारे पास है 360, तो यहाँ पर 360 लिखेंगे तो इससे ये हमारे पास कैंसिल होगा, तो क्या बनेगा, पी गुणा में 180 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ दे रखा है, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर 180 गुणा में नंबर ऑफ स्लॉट तो नहीं होता अभी, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री नंबर ऑफ पोल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखोगे, इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है आपको पूछ रखा है, ठीक है ना। ये हमारे पास स्टार्टर है, स्टार्टर के अंदर क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर के हिसाब से स्टार्टर हमारे पास कौन सा रहेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो जो हमारे पास ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर रहेगा, इसके अंदर जो एक तो होता है स्टार्टिंग टॉर्क, एक हमारे पास क्या होता है, फुल लोड टॉर्क, इसका जो रेशो होता है वो हमारे पास एक्स लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। एक्स लिखने के बाद आई एस टी बटा में क्या होगा, आई एफ एल, इनका हमें करना है स्क्वेयर, और उसके बाद है एस एफ एल, फुल लोड स्लिप। यहाँ पर एक्स क्या होता है, एक्स हमारे पास होता है टैपिंग पॉइंट, ठीक है, कितने परसेंट पर हमने टैपिंग कर रखा है, ये लिखेंगे एक्स की वैल्यू, ठीक है, हाँ एक्स का स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो ये तो होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर। बाकी हमारे पास स्टार डेल्टा की बात करें तो वहाँ पर एक बटा तीन आ जाएगा एस की जगह, एक्स की जगह एक बटा तीन आएगा, फिर वैल्यू आई हुई है, आ सकती है अभी। उसके बाद एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला जो बोल रहे हैं मोटर नहीं आती वो एक फॉर्मूला याद कर लो, एक नंबर पक्का है आपका, एन एस बराबर 120 एफ बटा पी, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से किसी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको होना चाहिए भी, बस फ्रीक्वेंसी मिलेगी, पोल मिलेंगे, स्पीड निकालनी है, बस हमारे पास क्या डिवाइड करना है, तो कौन सा दे रखा है, 120 एफ बटा पी, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, पूर्ण लोड पर 10 एचपी थ्री फेज इंडक्शन मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर हमारे पास कितनी चाहिए लगभग, ठीक है, इसमें याद रखना पड़ेगा लगभग कितना दे रखा है, ठीक है, 10 एम्पियर के लिए भी फ्यूज की रेटिंग हमारे पास ज्यादा होनी चाहिए, तो कितनी करेंगे, लगभग 25 एम्पियर के करीब हमारे पास फ्यूज की रेटिंग रहेगी।
ठीक है, हाँ आगे हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये दे रखा है पॉइंट, तो x ठीक है, कहाँ है x, ये रहा x हमारे पास क्या रहेगा, x हमारे पास एक प्रकार से सहायक है इसको सहायता देने के लिए, ठीक है। तो ये होता है सहायक संपर्क, सहायक कॉन्टैक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। एसी मोटर वाइंडिंग का ये हमारे पास कौन सा प्रकार होगा, ठीक है, यहाँ पर कितनी लेयर है, यहाँ पर एक स्लोट के अंदर लगभग एक ही है सभी के अंदर, ठीक है। तो ये कौन सा रहेगा, ये होगा सिंगल लेयर बास्केट, ठीक है, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग होती है, बास्केट की तरह, ये कटोरी हमारे पास टोकरी की तरह। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये देखो परसेंटेज के अंदर, प्रतिशत में स्लिप की गणना करें, तो अभी हमने डिस्कस किया है प्रतिशत के अंदर एन एस माइनस एन आर बटा में एन एस गुणा में 100, ठीक है, प्रतिशत के अंदर हमारे पास ये रहेगा। अगर आपको बोल दें कि हमारे पास कोई सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस मोटर के अंदर स्लिप का मान कितना होता है, सिंक्रोनस मोटर के अंदर, सिंक्रोनस मोटर में स्लिप का मान हमारे पास 0 होता है, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर के अंदर हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगी, 0 ही होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। उसके बाद आगे और देख लेंगे स्लिप का आएगा तो। ये फिर हमारे पास कंट्रोल सर्किट दे रखा है, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या रहेगा, इचिंग रहेगा, स्टार्ट और स्टॉप दे रखा है दोनों। आप डायरेक्ट याद रखो, स्टार्ट और स्टॉप लिखा है तो वहां पर इचिंग सर्किट हो गई, ठीक है। उसके बाद थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर एक ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, भी कन्फर्म आ सकता है, ठीक है। थ्री फेज का जिक्र कहीं पर दिखाई दे, आपको 120 ही करना है, ठीक है ना, थ्री फेज के अंदर 120 होगा, ठीक है। अभी तक ये पूछ रहे हैं ये सर कौन सी बुक है, चलो यहां पर हमारे पास क्या है, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं अभी, ये होते हैं हमारे पास स्लिप रिंग, ठीक है। स्लिप रिंग किसके बने होते हैं, स्लिप रिंग हमारे पास फास्फोरस, ठीक है, ब्रोंज के, फास्फोरस ब्रोंज के हमारे पास हो सकते हैं, बाकी ज़्यादा आपको कॉपर के भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और स्लिप रिंग हमारे पास कहाँ पर होते हैं, स्लिप रिंग हमारे पास जो एक वाउंड रोटर होता है, ठीक है ना, वाउंड रोटर के अंदर क्या होता है, स्लिप रिंग लगे होते हैं। और वाउंड रोटर के अंदर हमारे पास क्या कुछ खास बात होती है, इसका रजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो टोरक भी स्टार्टिंग क्या होता है इसका ज़्यादा होता है, ठीक है ना, इसका टोरक भी ज़्यादा होगा। चलो नेक्स्ट देखो, एसी कॉइल वाइंडिंग का क्या नाम है, कॉइल दे रखी है तो ये हमारे पास कौन सी होगी, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास साउथ नॉर्थ, ठीक है, साउथ नॉर्थ ये पोल दे रखे हैं तो ये वाइंडिंग आपको ध्यान रखनी है फिर, ठीक है ना, होल कॉइल वाइंडिंग, पूरी कुंडली वाइंडिंग, डायरेक्ट शेप याद रखोगे बस। उसके बाद होल कॉइल आइए, ठीक है, होल कॉइल वाइंडिंग, ये हमारे पास जो वाइंडिंग है कौन सी रहेगी, ठीक है ना, इसमें जो हमारे पास शेप बन रही है वो डायमंड की तरह है, ठीक है ना, डायमंड की शेप दिखाई दे रही है, तो कौन सी रहेगी, ये डायमंड मेश शेप्ड कॉइल वाइंडिंग, ठीक है, डायमंड शेप की तरह वाइंडिंग जो आज सुबह हमने की कवर की है, और यहाँ जो भी फोटो दे रखी है बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद थ्री फेज इंडक्शन मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है, कौन सी गति हमारे पास होती है, जो हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसकी स्पीड जो होती है, इस गति को हम क्या बोलते हैं, इस गति को बोलते हैं हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। और हमेशा रोटर की स्पीड और एक हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड है, दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड होनी जरूरी है, ठीक है, अंतर होना जरूरी है। स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या दे रखा है, अभी हमारे पास ये एक स्टार्टर दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर रहेगा अभी ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, ठीक है, याद रखना सिंबल पेपर में आया हुआ है। हाँ, पहले प्रश्न में ऑटो ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम था, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास ये सिंबल पूछ लिया गया, ठीक है, ठीक है मनोज, अच्छा तार उठ जाएगा बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ठीक है, अभी स्पीड, अब यहां पर ध्यान रखना, ऑटो ट्रांसफॉर्मर कितने एचपी तक यूज करते हैं,
ठीक है ना, ऑटो ट्रांसफार्मर हमारे पास 26 HP और KW, ठीक है, 20 KW तक लगभग यूज करते हैं। पेपर में प्रश्न आता है DOL स्टार्टर हमारे पास कितने HP तक, 5 HP मोस्टली आप याद रखोगे, पेपर में सीधा प्रश्न आता है DOL स्टार्टर 5 HP तक की मोटर के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर देखो ये जो आपको डायग्राम दे रखा है इसमें भी एक्स का पार्ट पूछ रखा है और आपको मिलेगा, ठीक है ना, ये दे रखा है खराद, बाकी इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, स्पूल कैरियर होता है ये, ठीक है ना, इसका डी उत्तर करोगे आप। ओके, जो हमारे पास यहाँ पर ये घूमने वाला पार्ट दे रखा है एक, इसको क्या बोलते हैं, स्पूल कैरियर, ठीक है, इसका डी कर लेना आंसर। उसके बाद यहां पर बताओ भी 6 पोल स्टेटर में मोटर में विद्युत डिग्री कितनी होगी। अब आप सभी को पता है थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर हमारे पास क्या होगा, पी गुणा में 180, तो पी कितना है 6 और ये रहेगा 180, कितना हो जाएगा 1080, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे उसका लगभग आंसर 1080 आता है, ठीक है, या 720 के करीब। उसके बाद है दो हमारे पास क्या दे रखे हैं, पोल दे रखे हैं, 24 खांचे हैं, 12 कुंडली वाले 3 फेज मोटर में कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोल का जोड़ा की गणना करें, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा इसमें, हमारे पास क्या रहेगा, संख्या क्या है, प्रति फेज प्रति पोल, यानी कि हमारे पास स्लोट बटा में पोल, ठीक है, स्लोट कितना दे रखा है इसके अंदर, स्लोट हमारे पास है 24 और पोल कितने हैं 2, हाँ नीचे हमारे पास क्या है, पोल गुणा में फेस तो छोड़ दिया हमने, ठीक है, स्लोट कितना है 24, फेज कितने हैं, फेज हमारे पास 3 फेज है और पोल कितने हैं 2, ठीक है, 3 × 6, 6 × 24, 4 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला हमारे पास स्लोट बटे फेज गुणा में पोल, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। चले आगे, स्लोट बटे में फेज गुणा में पोल, अब ये दे रखा है आपको, यहाँ पर देखो ये तो होता है डेल्टा कनेक्शन, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या बना दिया, स्टार बना दिया, यहाँ देखो डेल्टा और स्टार रहेगा, स्टार डेल्टा हमारे पास कितने HP तक, लगभग हमारे पास 15 से 20, वैसे 15 HP आप याद रखते हो इसके अंदर, ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात। उसके बाद देखो आज ही हमने डिस्कस किया इसके बारे में, ठीक है, पिच फैक्टर की हमारे पास गणना करें, पिच फैक्टर क्या होगा, वाइंडिंग पिच बटा में पोल पिच, आज डिस्कस किया, आज कई क्वेश्चन किए इस टाइप के हमने, पिच फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास क्या है, वाइंडिंग पिच बटा में क्या रहेगा, पोल पिच होगा, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हमारे पास कॉयल पिच बटा में पोल पिच भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास फॉर्मूला बनता है इसका, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, कॉयल पिच बटा में पोल पिच भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लोट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है, ठीक है, पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लोट के संदर्भ में, स्लोट हमारे पास है तो कहाँ रखेंगे, इलेक्ट्रिकल डिग्री तो नहीं आएगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिकल डिग्री दे रखा है, तो क्या दे रखा है, ये रहा नंबर ऑफ स्लोट इन द स्टेटर बटा में हमारे पास क्या है, पोल, पोल लगभग आपको डिवाइड में ही मिलेंगे, स्लोट हमेशा ऊपरी मिलते हैं, जितने भी क्वेश्चन के वहाँ देखोगे आप, स्लोट ऊपर और पोल नीचे है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। उसके बाद ये बताओ भी कॉइल की औसत परिधि की गणना करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो जो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो इन कितना हुआ है, आउट कितना हुआ है, ठीक है ना, दोनों को जोड़ेंगे, अब औसत निकालना है, दो हमारे पास है, दो से भाग कर देंगे, ठीक है, तो ये रहेगा हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात, कॉइल के अंदर है ये औसत परिधि, ठीक है, ये तो आपको आप कर ही लोगे, इसके अंदर 6 पोल है तो कितना आ जाएगा, 6 पोल के लिए 1000, बाकी आपको पता है 120 गुणा में एफ बटा में पी, ठीक है, 120 गुणा एफ कितना है 50 हर्ट्स, पी कितना है, पी हमारे पास 6 है, 6 × 12, ठीक है, 2 × 5 = 10, 1000 आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास 2 पोल है तो कितनी स्पीड, 3000, 4 पोल है तो 1500 स्पीड हो जाएगी, अगर 6 पोल है तो 1000 स्पीड, अगर 8 पोल है तो 750 स्पीड, डायरेक्ट याद रखो चाहिए,
ठीक है, बस फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना क्या दे रखी है। ठीक है भी, अरे बेच लेना होगा क्या, कितना डिस्काउंट देना है बता भी सरदार जी, 50%। चलो नेक्स्ट देखो, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें। स्लिप की आपको गणना करनी है, इसके अंदर हमारे पास 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और पोल कितने दे रखे हैं, 6, जो हमारे पास 960 आरपीएम की वास्तविक गति है ये, ठीक है ना। ये हमारे पास वास्तविक गति का मतलब क्या होता है, रोटर की स्पीड। तो अब ध्यान रखो, देखो हमें क्या निकालना है, स्लिप। स्लिप निकालने के लिए फॉर्मूला बता रखा था, एन एस माइनस एन आर बटा में एन एस गुणा में 100, परसेंटेज में तो 100 लगाएंगे यहाँ पर। एन एस है क्या इसमें, एन एस नहीं है क्योंकि ये तो रोटर की स्पीड है, ये स्पीड है एन आर। तो एन एस निकालने के लिए क्या है, 120 गुणा में एफ कितना है 50, ठीक है, और पी कितना है 6। बाकी मैंने बता रखा था अभी, 6 पोल हो तो स्पीड कितनी होती है 1000, डायरेक्ट याद रखोगे आप, 6 पोल है तो स्पीड 1000। तो यहाँ पर लिखेंगे 1000, ठीक है, माइनस एन आर कितना है 960 बटा में 1000 गुणा में 100 कैंसिल, ठीक है, कितना बचा 40, ठीक है, 10 कितना आ जाएगा 4% हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, अगर इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल आए उसका उत्तर 4 ही मिलेगा, ठीक है, 4 याद रखना, लगभग ज़्यादातर हमारे पास 4 आता है। चलो वो निकाल लेना फिर भी। उसके बाद थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर की आवृत्ति क्या होती है, अभी देखो रोटर की हमारे पास, व्हाट इज द रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एट टाइम ऑफ स्टार्टिंग। स्टार्टिंग के टाइम हमारे पास क्या होता है, इसे बोलते हैं स्टैंड स्टिल, ठीक है, ये होता है स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल कंडीशन में जो स्लिप होती है उसका मान 1, और रोटर फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला एस एफ होता है। तो एस कितना यहाँ पर 1 है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम रहेगी, फिर तो क्या रहेगा, इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, स्टार्टिंग के टाइम की बात आइए। ओके चलो, स्टार्टिंग के टाइम हमारे पास स्लिप 1 है तो स्पीड क्या होगी, 0, ठीक है, अगर स्लिप का मान 1 हो तो स्पीड क्या होती है, 0। इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज हमारे पास कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, बताओ भाई, इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम, डायरेक्ट तो कनेक्शन होता नहीं स्टेटर का, ड्यू टू बैक ईएमएफ के कारण भी नहीं होता यहाँ पर कहीं पर भी, डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ रोटर नहीं होता, ट्रांसफॉर्मर के एक्शन पर काम करता है ये, ठीक है। जो हमारे पास इंडक्शन मोटर होती है वो ट्रांसफॉर्मर का जो भी काम है वो सेम काम होता है इसका, ठीक है। वाह, सज्जन ने भी ध्यान दिया थोड़ा मेरी तरफ। चलो नेक्स्ट देखो, अपने रोटर पक्ष से थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए कौन सी विधि आप यूज करते हो, ये हमारे पास कैस्केड ऑपरेशन होगा फिर, ठीक है। रोटर पक्ष से जो रोटर की साइड है उसमें थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए तो हमारे पास कैस्केड ऑप्शन होता है। कैस्केड का मतलब एक के साथ एक एक मोटर जोड़ना लगातार, रोटर साइड रहेगा। स्टेटर से हमारे पास जो, नहीं नहीं, स्टेटर से हमारे पास क्या है, रोटर रेजिस्टेंस के हिसाब से करते हैं कंट्रोल, ठीक है, जिनको स्टार डेल्टा के अंदर जोड़ते हैं। आगे दे रखा है, विच लॉस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइन बाई ब्लॉक रोटर टेस्ट, ठीक है, ब्लॉक रोटर टेस्ट हम कौन सा करते हैं अभी, ये हमारे पास रहेगा कॉपर लॉस की हम गणना करते हैं, याद रखना, और ट्रांसफॉर्मर के अंदर कॉपर लॉस शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए हम करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निश से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों दी जाती है, अभी क्यों आवश्यक है प्री हीटिंग के लिए, ठीक है, हीटिंग करना तो नमी के लिए रहेगा, वाइंडिंग परतों के बीच नमी को बाहर निकालना, ठीक है ना, पहले प्री हीटिंग करते हैं वाइंडिंग करने से पहले। उसके बाद नेक्स्ट देखो, एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग क्या, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ग्राउलर का बताओ आप उपयोग क्या है एसी मोटर के अंदर।
ठीक है। एसी मोटर के अंदर हमारे पास आंतरिक जो इंटरनल ग्राउलर है उसका मेन काम क्या होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए, ठीक है। स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हो आप, अभी हमने देखा है ओपन फॉल्ट और दूसरा शॉर्ट, ठीक है। तो इसके लिए क्या रहेगा, इंटरनल ग्राउलर। ग्राउलर किस सिद्धांत पर काम करता है, ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत पर काम करता है ग्राउलर, वही तो है हमारे पास एसी डीसी मोटर के अंदर होता, ग्राउलर भी होता है, वो सेम ही चीज है ये। एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का हमारे पास मुख्य उद्देश्य क्या होता है, थर्मल कटआउट का उपयोग। इस पीडीएफ में भी कुछ गलतियां हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी गलतियां अभी। ठीक है, बताओ क्या रहेगा इसमें, ये हमारे पास के एसी मोटर में सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या रहता है। थर्मल कटआउट का मतलब लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दे, ठीक है, ये हमारे पास मेन होता है थर्मल कटआउट का उपयोग। फ्यूज के साथ हम थर्मल कटआउट भी लगाते हैं इस मोटर के अंदर। विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज टू प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टॉर्क एट वेरिएबल स्पीड। हाई स्टार्टिंग टॉर्क तो हमारे पास कौन सा होता है, स्लिप रिंग के लिए होगा, ठीक है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है स्लिप रिंग के लिए और लो हमारे पास किसके लिए रहेगा, सैक्रल केज के लिए, ठीक है। उसके बाद लो होता है सैक्रल केज के लिए, याद रखना, क्योंकि इसमें तो अलग से रेजिस्टेंस नहीं जोड़ सकते, इसमें अलग से रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं, ठीक है। एसी इंडक्शन मोटर में बला घूर्ण और स्लिप के बीच हमारे पास क्या रिलेशन होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा अभी। कब की बात दे रखी है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड स्लिप एंड इंडक्शन मोटर। अब देखो यहाँ पर किसी प्रकार का स्टार्टिंग का और नॉर्मल की बात नहीं दे रखी, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करोगे स्लिप का और टॉर्क का रिलेशन, ठीक है। तो कहाँ दे रखा है, ठीक है, स्लिप इंक्रीज टॉर्क भी हमारे पास इंक्रीज होगा, ठीक है। तो टॉर्क और स्लिप हमारे पास क्या होती है, समानुपाती, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर स्टार्टिंग और नॉर्मल नहीं दे रखा तो स्टार्टिंग के अंदर तो क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और नॉर्मल में क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो नॉर्मल की बात है ये। यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होगा, हाँ ये पर्सन है डाउट वाला, ठीक है ना, ये पर्सन भी एक डाउट वाला रहेगा। ठीक है, इसका निमी में उत्तर मान रखा है अभी डी, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या दे रखा है, इसका बी उत्तर होना चाहिए, बाकी इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी अलग दे रखी है। यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इफ रोटर बार इज ओपन सर्किट। रोटर बार अगर ओपन सर्किट होगा तो ओवर हीटिंग तो ऑफ मोटर तो हमारे पास बात ही नहीं है, ठीक है, मोटर विल नॉट स्टार्ट आएगा, रोटर को हमने शॉर्ट ही नहीं किया रोटर बार को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आगे एक और आएगा सेम, इस यही प्रश्न आएगा आगे, ठीक है ना, वहां देखेंगे। इसका वैसे डी मान रखा है इन्होंने, ठीक है। हाँ तो इसमें नहीं लिखा ना, इसके अंदर तो मेन चीज हमारे पास नहीं दे रखा है, इसके अंदर स्टार्टिंग में होना चाहिए मेन पॉइंट, ये जो पॉइंट हमारे पास स्टार्टिंग का पॉइंट बनता है ये, ठीक है, स्टार्टिंग की कंडीशन बनती है, बाकी आगे एक और आएगा तब बताऊंगा मैं। एसी थ्री फेज मोटर के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का आप उपयोग करते हो। रिवाइंडिंग के लिए हमारे पास सुपर एनेमल्ड कॉपर वायर ही होता है अभी, ठीक है। उसके बाद वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग करते हो, ठीक है, वेज के रूप में, वेजेज के रूप में कौन सा होता है, बैम्बू, ठीक है ना, ये दे रखा ना इसका, ठीक है, बेम्बू है, चलो। उसके बाद आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है, ठीक है, तो हमारे पास हमें चेक करना पड़ेगा, पोलैरिटी टेस्ट जरूरी है भाई सप्लाई देने से पहले, ठीक है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, आर बाई बी की आप पूरी ध्यान रखोगे। रोटर चालकों को थ्री फेज मोटर में थोड़ा तिरछा स्थिति में क्यों रखते हैं, ठीक है, तो आप सभी को पता है स्क्यू करते हैं, स्क्यू पोजीशन पे क्यों रखते हैं भी,
मैक्सिमम फ्लक्स तो हमारे पास नहीं होगा, रिड्यूस ट्रे लॉस, मेंटेन रोटर स्पीड, ठीक है, प्रोड्यूस हमारे पास क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड टॉर्क। इसमें देखो एक तो होता है स्क्यू का मतलब तिरछा, तिरछा करते हैं, एक तो हमारे पास होता है कौन सा, हमिंग साउंड हमारे पास रहता है, दूसरा क्या होता है कोगिंग रहेगा इसके अंदर, ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है मैग्नेटिक लॉकिंग भी हमारे पास ये कम करता है, ठीक है, मैग्नेटिक लॉकिंग के लिए, ये तीन तो हमारे पास मेन है। इसमें कौन सा मान रखा है, इसमें हमारे पास अगर मैग्नेटिक लॉकिंग को कम करेगा तो फिर मैग्नेटिक वाला हमारे पास क्या, यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड टॉर्क बनाएगा ये भी, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, ठीक है ना, एक समान फील्ड रखेगा, यूनिफॉर्म रखेगा फील्ड को। उसके बाद थ्री फेज इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट में कौन सी हानि निर्धारित की जाती है, नो लोड टेस्ट के लिए कौन सी होगी, ठीक है, नो लोड के लिए तो आयरन ही होगी, ठीक है, जैसे हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी नो लोड हमारे पास है या फिर ओपन सर्किट है तो कौन सी हानि देखते हैं हम, आयरन लॉस। अगर हमारे पास क्या हो ट्रांसफॉर्मर के अंदर शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने तो कौन सी देखते हैं, यही सेम भी मोटर के अंदर भी यही रहेगा, फ्रिक्शन घूमने वाली चीज के अंदर कहीं पर घर्षण की बात आ जाए। हाँ ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में जीरो होता है भी ये। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आप यूज करोगे भी, स्पीड कंट्रोल टू वेरिएबल स्पीड ऑफ ऑब्टेन थ्री फेज मोटर बाय रियोस्टेट कंट्रोल, चेंजिंग अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज, और हमारे पास क्या दे रखा है बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल। मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल टू वेरिएबल स्पीड, दो स्पीड के लिए है। देखो भी वैसे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है आप सभी को पता है, एन एस बराबर 120 F/P, ठीक है, तो हम पोल से भी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से भी कर सकते हैं और अप्लाइड वोल्टेज से भी कर सकते हैं, चेंज तो हम इनसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा पर्सन में घुमा कर क्या पूछ रखा है, थ्री फेज मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल दो चर गति, ठीक है ना, हमें दो हमारे पास वेरिएबल स्पीड चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हमें पोल करना पड़ेगा, ठीक है ना, पोल हमारे पास क्या ज़्यादा और कम दोनों के लिए रहेगा। पोल का मतलब हमारे पास क्या है, अगर पोल हमने ज़्यादा कर दिए तो स्पीड कम, अगर कम कर देंगे तो ज्यादा। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है, स्लिप रिंग जो हमारे पास इंडक्शन मोटर है इसको वाउंड रोटर से क्यों फिट करते हैं, अभी टू रिड्यूस स्लिप, टू कंट्रोल द स्पीड, टू गेट हाई स्टार्टिंग, ठीक है, जो हमारे पास स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की खास बात ही क्या होती है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, कई बार बताया मैंने पॉइंट ये, ठीक है ना, रनिंग टॉर्क हमारे पास ज्यादा होता है। स्वचालित स्टार्ट डेल्टा में स्टार्टर में टाइमर का मेन कार्य क्या होगा, ठीक है ना, टाइमिंग का मेन कार्य हमारे पास रहेगा स्टार से डेल्टा में चेंज करना, ठीक है, और आपको पता है सबसे पहले मोटर स्टार्ट होती है स्टार के अंदर, उसके बाद जैसे ही 70-80% स्पीड हो जाए तो हमारे पास किस में चलेगी, डेल्टा में चलती है, वो अलग है, उसमें मिस्टेक भी एक क्वेश्चन रहा था ये, पहले हमारे पास स्टार में, ठीक है ना, उसके बाद टाइमर होता है, फिर हमारे पास डेल्टा आएगा, स्टार टाइमर फिर मेन फिर डेल्टा, ठीक है, बाकी है इसी के अंदर है, वो आ जाएगा, कोई बात नहीं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए आप सभी पता है क्या करोगे, मेगर ही हम करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का नाम आ जाए तो। उसके बाद वाइंडिंग में कौन सा फ्रिक्शन दे रखा है अभी, ठीक है, ये आपको दे रखा है वाइंडिंग के अंदर, तो ये टेस्ट कौन सा रहेगा, ये हमारे पास क्या है पोलैरिटी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, भी पॉजिटिव और नेगेटिव। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में का प्रारंभिक करंट हमारे पास क्या कुछ रहेगा, प्रारंभिक करंट हमारे पास कितना दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, 5 से 6 times फुल लोड करंट के लिए। स्टार्टिंग में जो हमारे पास क्या होता है 5 to 6 times ऑफ फुल लोड करंट, इसी करंट को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टार्टर यूज करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे पास बहुत ज़्यादा करंट होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं, स्टार्टर।
स्टेटर साइड से थ्री फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हो? स्टेटर साइड से करोगे तो हमारे पास क्या रहेगा? अच्छा रोटर की बात आ गई यहां, तो ठीक है यहां रोटर आ गया था। बाय चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, ये कौन सी साइड है? स्टेटर साइड। रोटर कौन सा था? कैस्केड, ठीक है ना। यहां पर लिखा है स्टेटर साइड, स्टेटर साइड में हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज ही कम ज्यादा करनी है। अगर रोटर साइड से कंट्रोल करेंगे तो क्या था? कैस्केड। अभी किया हमने क्वेश्चन ये, ठीक है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रण करने की विधि हमारे पास ये दे रखी है आपको, ये कैस्केड ही है, ठीक है ना। ये हमारे पास कैस्केड ऑपरेशन होता है। उसके बाद तीन फेज मोटर स्टार्टर के साथ शामिल दो कार्यात्मक सर्किट हमारे पास कौन कौन से होते हैं? अभी व्हाट आर द टू फंक्शनल सर्किट इनकॉर्पोरेटेड विद द विद ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर? कंट्रोल और पावर होना चाहिए। स्टार्टर के हमारे पास दो डायग्राम बनते हैं, एक तो कंट्रोल सर्किट और एक पावर सर्किट। स्टार्टर के दो डायग्राम अलग अलग होते हैं, एक कंट्रोल का अलग होता है और पावर का अलग होता है। अभी लेदराइड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा होता है? ठीक है, लेदराइड हमारे पास पेपर है, ये भी एक प्रकार का इंसुलेशन है जो मोटर के अंदर यूज करते हैं। इसका क्या आएगा? ये हमारे पास रहेगा लेदराइड पेपर के लिए बेटर एजिंग एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एजिंग का मतलब ये लंबा चलेगा और हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी बढ़िया होती है। कुंडल कोर ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का आप चयन करते हो? ये हमारे पास यही आएगा, ठीक है, टेरेलिन धागा हम यूज करते हैं। अभी वाइंडिंग कर रहे हो, वाइंडिंग करने के लिए आपको वाइंडिंग को बांधना तो पड़ेगा, तो बांधने के लिए हमारे पास कौन सा होता है? टेरेलिन धागा होता है, ठीक है। एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग करते हो? कफिंग के लिए हमारे पास कौन सा इंसुलेशन होता है इसके अंदर? ठीक है, फैब्रिक बेस्ड एडेसिव टेप, ठीक है, जिसके अंदर फैब्रिक बेस हो और एडेसिव का टेप हमारे पास, जिसकी मजबूती ज्यादा होगी, ठीक है, ये हम यूज करेंगे कफिंग के लिए। एसी वाइंडिंग में क्वाइल को क्या कहते हैं? ठीक है, एसी वाइंडिंग में क्वाइल को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्टेड इन सीरीज, नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्टेड इन पैरेलल। एसी वाइंडिंग तो सारी सीरीज में होगी, जैसे हमारे पास क्या नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, जैसे एक हमारे पास ये क्या बना है, ये हमारे पास क्या बन गया? टर्न्स, और कई टर्न्स को मिलाकर हम लगातार इसको बनाएंगे तो ये हमारे पास सीरीज में बनेगा फिर लगातार, ठीक है, सीरीज में बनता है ये, तो कौन सा बन जाएगा? ये एसी वाइंडिंग बनेगी, तो इसका ऑप्शन है यही रहेगा। उसके बाद किस प्रकार की एसी वाइंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली पोल कला की संख्या एक से अधिक होती है? एक से अधिक हमारे पास किसकी होती है? अभी फ्लैट लूप ओवरलैप्ड क्या दे रखा है इसका? इसका होगा, ये याद रखना पड़ेगा अभी, फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड वाइंडिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या, देखो यहां पर कि हमारे पास विच टाइप ऑफ एसी वाइंडिंग द नंबर ऑफ कोइल पोल और फेज इज मोर देन वन एट डिफरेंट पिच, ठीक है ना। ज्यादा हमारे पास इनकी वैल्यू होगी सभी की, तो वो किसके अंदर होगी? वो हमारे पास है फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड वाइंडिंग, ठीक है, याद रखोगे डायरेक्ट ये। उसके बाद ये करोगे, सेम ही है पहला हमने जो कवर किया है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, क्वाइल कितनी है? 36, ठीक है, 36 क्वाइल है, बटा में हमारे पास कितने फेज है? 3 फेज है, ठीक है, और पोल कितने हैं? 4 पोल है, 4 तीय 12, 12 तीय 36, ये आ जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट ध्यान रखोगे, पहले मैंने आपको बताया था स्लोट को ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर स्लोट की जगह क्वाइल डायरेक्ट हमारे पास है, ठीक है, बाकी 36 स्लोट भी दे रखी है।
ठीक है यार, ये 36 स्लोट है, ठीक है, 36 स्लोट बटा में 3 गुणा में क्या है पोल, सेम ही फॉर्मूला लगा है पहले वाला। अब ये आपको डायग्राम दे रखा है, ठीक है ना, ये वाइंडिंग हमारे पास कौन सी होती है, हैंड वाइंडिंग, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का आप उपयोग करते हो, ठीक है। यहां पर नाम मिलेगा, ये देखो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर जो हमारे पास स्टार्टर होता है वो कौन सा होता है, रोटर रियोस्टेट हमारे पास स्टार्टर होगा, और जो डीओएल है, ऑटो है, स्टार डेल्टा, ये स्क्रल केज के होते हैं, ध्यान रखना है पॉइंट ये। कॉलर का कार्य बताओ भाई, ये हमारे पास एक कॉलर होती है, ठीक है, डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, इसके अंदर प्रोवाइड इंसुलेशन अराउंड फील्ड, किस प्रकार के वाइंडिंग तार को समर्सिबल पंप मोटर की वाइंडिंग के लिए हमारे पास करते हैं, इसका क्या मान रखा है, इसमें पीवीसी मान रखा ना, ठीक है, फिर यही करना है, पेपर में आया भाई, हरियाणा के अंदर, शायद एलम के अंदर भी था, पिछले एलम में ना, पिछले एलम में था ये, प्रीवियस ईयर के अंदर चार्ज मैन में या फिर इलेक्ट्रिशियन के अंदर किसी में किसी था ये। एसी मोटरों में लंबी कोड वाइंडिंग न करने का हमारे पास क्या कारण होता है अभी, ठीक है, अगर हम लंबी कोड वाइंडिंग यूज न करने का मेन कारण रहेगा अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता, ठीक है, अगर हम लंबी नहीं यूज करेंगे तो ज्यादा तार हमारे पास लगेगा। शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह होती है, शीतलन के लिए बिटवीन ओवर हैंगिंग, बिटवीन ओवर हैंगिंग कॉयल, बिटवीन ओवर हैंगिंग कॉयल एंड योक, कॉयल और योक के बीच में हमारे पास जगह होती है कूलिंग के लिए, ठीक है, जो कॉयल होगी और योक रहेगी उसके बीच में जगह होगी। पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग करते हैं अभी, ठीक है, पैनल बोर्ड हमारे पास कहाँ होता है, इंडस्ट्रियल, वेयर द पैनल बोर्ड आर यूज्ड, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक, 3 फेज डोमेस्टिक वायरिंग, इसका बी उत्तर दे रखा है, सी हो सकता है, हाँ सी ठीक है, बी तो नहीं होगा क्योंकि 3 फेज की बात जरूरी है, खेतों के अंदर आप पैनल बोर्ड यूज करते हो ना, स्टार्टर जो पैनल होता है, ठीक है ना, वो हमारे पास है, अपने घरों में ना तो नहीं होगा अभी, क्या चीज, डोमेस्टिक का मतलब हमारे पास मोटर का नाम आ गया ना, 3 फेज, फिर 3 फेज बात आ गई, 3 फेज को डायरेक्ट हम सीधा नहीं चला सकते, उसके बाद ये तो आप कर ही लोगे। 1400 हमारे पास आरपीएम पर घूर्णन कर रहे 7.5 एचपी स्क्रूल केज मोटर के लिए टॉर्क हमें बताना है, टॉर्क कितना होगा, एचपी को चेंज करो, सात पॉइंट पांच एचपी और 1440 आरपीएम घूर्णन कर रहे, इसमें दे रखा है बला गुण न्यूटन मीटर में टॉर्क कितना होगा, टॉर्क का फॉर्मूला भी ठीक है, फिर तो देखो इसका होगा एच पी गुणा में 735.5, ठीक है, गुणा में 60 बटा में हमारे पास क्या होगा 2 पाई एन, ठीक है, एचपी कितना है, एचपी हमारे पास है 7.5 और 735.5, ठीक है, गुणा में 60 बटा में 2 गुणा में पाई का मान हमारे पास 3.14 गुणा में एन हमारे पास कितनी है 1440, बस इसको भी गुणा भाग करना है, ठीक है, कितना आ रहा है इसका, ठीक है, 36.6 न्यूटन मीटर, ओके, लिख लो ये फॉर्मूला, अगर आपको टॉर्क निकालने के लिए पूछ लें, एच पी गुणा में 735.5, 60 गुणा में 60 बटा में 2 पाई एन, एन का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, स्पीड होगा, ठीक है, चले आगे, कर लिया नोट। उसके बाद रोटरी स्विच की बात दे रखी है, रोटरी स्विच का हमारे पास प्रकार क्या होता है, ये होता है कॉइन स्लोट बोलते हैं इसे,
सिक्के के जैसा हमारे पास है, ये कॉइन स्लॉट होगा। नेक्स्ट देखो भी, थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर स्टार्टर प्रतिरोध का उपयोग करने का मेन उद्देश्य क्या होता है? आप सभी को पता है, अगर हम रेजिस्टेंस लगाएंगे स्टार्टिंग तो टॉर्क ही बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल थ्री फेज की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए हमारे पास रहेगा, ठीक है। स्लिप रिंग का कहीं पर भी जिक्र आ जाए, स्लिप रिंग का, वहां पर रोटर रियोस्टेट ही होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, रोटर रियोस्टेट। कोई और पर्सन गलत है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ भाई, कितना नंबर है ये, ठीक है। चलो, ये वाइंडिंग कौन सी है? स्किन वाइंडिंग, ठीक है ना। ये हमारे पास वाइंडिंग का जो नाम है वो कौन सा होगा? स्किन वाइंडिंग। चेक करो एक बार भी, कौन सा उत्तर दे रखा है इसका? स्क्यू तो नहीं है फिर, ये स्किन होगी, स्किन वाइंडिंग होगी, ये स्किन वाइंडिंग। एक मिनट ऑप्शन तो ये है, स्किन वाइंडिंग है ये, स्किन होगी ये, ठीक है, स्किन वाइंडिंग ही होगी ये, स्किन करना है इसका। थ्री फेज मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली कॉइल पिच से कम है? कम है तो कौन सा होगा? कम है तो हमारे पास शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग बोल देंगे इसको। उसके बाद थ्री फेज सेकेंडरी वाइंडिंग का अवगुण कौन सा होगा? थ्री फेज हमारे पास अगर कंसेंट्रिक वाइंडिंग हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, कंसेंट्रिक वाइंडिंग का हमारे पास डीमेरिट यानी कि अवगुण कौन सा है इसका? मोर स्पेस स्टेप्ड फॉर्मर रिक्वायर, मोर डिफिकल्ट टू शेप द कॉइल यूनिफॉर्म, इट इज नॉट ईजी टू मेन। क्या उत्तर दे रखा है चेक करो एक बार, ठीक है। देखो, अगर हमारे पास कंसेंट्रिक वाइंडिंग होगी, ठीक है ना, इसका मेन गुण क्या है? इसमें स्टेप्ड फॉर्मर, बाकी यहां पर स्टेप्ड कोर लिखा होना था, ठीक है, कल हमने इसे कई क्वेश्चन कवर किए थे, वहां पर स्टेप्ड कोर था इसके अंदर। स्टेप्ड कोर यूज करते हैं तो कंसेंट्रिक वाइंडिंग में। चलो, उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें है रिंग डायग्राम, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये अगर ये डायग्राम आ जाए तो उसको रिंग डायग्राम ही करना है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन हमने कर लिया कवर, ठीक है। 36 स्लॉट 12 क्वाइल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला का हमारे पास विस्थापन की गणना करें, कला विस्थापन कितना होगा? फेज डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें, चलो देखो, अगर हमें फेज विस्थापन निकालना हो तो आप सभी को पता है फेज विस्थापन कितना होता है? 120 डिग्री थ्री फेज के अंदर, ठीक है, 120 डिग्री। उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा? स्लॉट कितने हैं? 36, ठीक है, बटा में हमारे पास क्या है? 180 रहेगा हमारे पास। इलेक्ट्रिकल एंगल पोल कितने हैं? 4, एक बार करके देखो, इससे कैंसिल, 4 तीय 12 और 3 हमारे पास 6, 6, 6, 36 कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, तो याद रखोगे आप इसके अंदर 120 हमारे पास होगा गुणा में
यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है स्लोट, और ये हमारे पास 180 डिग्री गुणा में क्या होगा, पोल। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो भी, चाहिए ना इसका उत्तर। उसके बाद क्वाइल पोल कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लोट में व्यवस्थित करते हैं। अलग अलग करेंगे तो किस में करेंगे भी, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करेंगे। ठीक है, आज कई क्वेश्चन किए ऐसे हमने। उसके बाद ये आपको दे रखा है वाइंडिंग का परीक्षण कौन सा होता है, ये रजिस्टेंस का। ठीक है, ये हमारे पास सारे रजिस्टेंस की बात है। फिर उसके बाद स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया जाता है। अगर स्लिप रिंग का बात आ जाए तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क कहाँ दे रखा है, ऑप्शन बी, स्टार्टिंग टॉर्क हमारे पास ज़्यादा होगा, स्लिप रिंग का जिक्र है इसमें। ठीक है, उसके बाद यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ, ये देखो ये प्रश्न था एक शायद, कितने नंबर है ये, 200 नंबर। हाँ, इसमें देखो यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग ओपन सर्किट में ओपन परिपथ में स्टार्टिंग किया जाती है, ओपन सर्किट में हम स्टार्ट करेंगे तो मोटर क्या प्रभाव होगा, चलेगी नहीं। ठीक है, अगर हमने क्या कर रखा है, जो रोटर की वाइंडिंग है उसको हमें शॉर्ट करना जरूरी है, और शॉर्ट किससे करते हैं, एंड रिंग की सहायता से। एंड रिंग किसका बना होता है, कॉपर का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, एंड रिंग की सहायता से हम शॉर्ट करते हैं और उसकी सहायता से हमारे पास क्या है, मोटर को चलाते हैं। बाकी यहां पर क्या है, वाइंडिंग को खुला कर दिया तो चलेगी नहीं फिर तो, बिल्कुल। उसके बाद देखो यदि एक स्लिप रिंग के अंदर हमारे पास क्या है, जो हमारे पास वाइंडिंग निकलेगी उनको हम किसके साथ जोड़ते हैं, रिंग के साथ जोड़ते हैं, फिर जोड़ना जरूरी है, खुला नहीं छोड़ सकते। यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है, ठीक है, तो थ्री फेज हमारे पास मोटर का क्या होगा, व्हाट हैपन टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर इफ वन फेज फेल ड्यूरिंग रनिंग, चल रही है और एक फेज हमारे पास खराब हो गया, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोटर रन स्लोली फाइनली इट बर्न, उसके बाद ये हमारे पास जल जाएगी। ठीक है, वो तो हमारे पास डीसी मोटर के अंदर था, वाइंडिंग का ओपन होना एकदम। लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रश्न और पहले वाला प्रश्न सेम ही बात है। ठीक है ना, यहां पर देखो मोटर विल रन स्लो बट वाइंडिंग विल बी बर्न आउट शॉर्टली, बस सेम ही बात है, क्या बात होगी। एकल कला प्रिवेंटर के साथ, ये देखो ये बढ़िया प्रश्न है भाई, एसपीपी। ठीक है, एसपीपी हमारे पास क्या होता है, एसपीपी हमारे पास होगा सिंगल फेज प्रिवेंटर। ठीक है, एसपीपी रहेगा सिंगल फेज प्रिवेंटर। अब सिंगल फेज प्रिवेंटर हमारे पास के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष होगा, तो हमारे पास फेज सीक्वेंस सही नहीं है। अगर एसपीपी हमने लगा रखा है उसके साथ स्टार्टर चालू नहीं हो रहा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इम्प्रॉपर फेज सीक्वेंस। लोड होने पर एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या होगा, स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघु पतन होगा फिर तो, क्या दे रखा है इसका, डी है। ठीक है, क्या रहेगा हमारे पास, अगर मोटर जो है लोड होने पर एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने का हमारे पास दोष क्या होगा, पार्सली शॉर्टेड स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग हमारे पास क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। फिर कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण इंडक्शन मोटर की रक्षा करता है, कौन सी कंडीशन में हमारे पास, ओवर करंट के अंदर, रिले वगैरह ओवर करंट पर काम करती है। यदि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो हमारे पास रोटर क्या होगा, प्रश्न पढ़ लो आराम से। यदि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की रोटर जो हमारे पास है, रोटर की स्पीड जो है तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेता है, NS बराबर NR हो जाता है,
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रोटर की गति कम हो जाएगी, उसके बाद रोटर की गति बढ़ जाएगी, रोटर की गति समान रहती है, रोटर बार ठीक है डैमेज हो जाएगा। क्या दे रखा है इसमें, डी है ठीक है। फिर तो एन एस बराबर एन आर, हमेशा हमारे पास एन एस ज़्यादा होता है और एन आर कम होता है, एन आर हमेशा कोशिश करता है एन एस को पकड़ने के लिए ठीक है, और वो हाथ आता नहीं है तो लगातार मोटर हमारे पास चलती रहेगी। ये था प्रश्न, इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, इंडक्शन मोटर हमारे पास है, इसमें रोटर के खुले प्रभाव होने का क्या कारण होता है अभी। ठीक है, यहां भी हमारे पास क्या है, मोटर डज नॉट स्टार्ट, ऐसे प्रश्न तीन देख लिए हमने ठीक है ना, तो इसका डज नॉट स्टार्ट करना, क्या दे रखा है इसका, मोटर रन विद वेरी लो, ऐसा नहीं होगा अभी ठीक है, आपको यही करना है। उसके बाद क्योंकि इसमें दे रखा है सीधा, देखो इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का प्रभाव क्या होता है, अगर हमारे पास ओपन कर दिया हमने रोटर का सर्किट, रोटर सर्किट चलती की बात अलग है, यहां पर देखो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओपन सर्किट इन रोटर रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर, ओपन हमारे पास होगा रोटर का सर्किट तो फिर मोटर विल नॉट स्टार्ट होगी। ठीक है, मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज में लगातार उड़ने का क्या कारण होता है अभी, ओवरलोडिंग, ठीक है ठीक है, लगातार हमारे पास फ्यूज उड़ रहा है तो वाइंडिंग के अंदर गड़बड़ है फिर तो ठीक है, पुअर इंसुलेशन है ये रहेगा। और इसमें डाउट वाले पर्सन मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है आगे आओगे। उसके बाद थ्री फेज इंडक्शन मोटर का क्या होता है, अगर एक क्लास शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है तो हमारे पास क्या दिक्कत आएगी। ठीक है, मोटर हमारे पास चलती है, अधिक धारा तो नहीं करेगी, मोटर चलती है तुरंत रुक जाएगी, अनियमित गति से मोटर चलती रहेगी, ए ही आएगा फिर तो। ठीक है, मोटर हमारे पास चलती है और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, रुक जाती है। ठीक है, दो सौ नौ में सही है, ए ही आएगा भी, ए ही करवा रखा है। थ्री फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज परिवर्तक के साथ बार बार ट्रिप का क्या कारण होता है, बार बार ट्रिप का क्या कारण बताया था। ठीक है, डी आएगा। ठीक है, विच इज द कॉज ऑफ थ्री फेज मोटर स्टार्टर विद सिंगल फेज परिवर्तक ट्रिप फ्रीक्वेंटली, ओल आर की गलत सेटिंग। अच्छा ठीक है, और एक पहले भी प्रश्न था ऐसा, एक मिनट, इसमें भी देखो व्हाट इज द डिफेक्ट इफ स्टार्टर विद सिंगल फेज परिवर्तक डज नॉट स्विच। अच्छा, यहां पर तो जो हमारे पास एस पी पी है वो ऑन ही नहीं हो रहा, तो हमारे पास फेज सीक्वेंस है वो गड़बड़ है। यहां पर हमारे पास क्या दे रखा है, यहां पर हमारे पास है भी विच इज कोज फॉर द थ्री फेज मोटर स्टार्ट विद सिंगल फेज परिवर्तक ट्रिप फ्रीक्वेंटली, बार बार ट्रिप हो रहा है तो हमारे पास फिर यही रहेगा फिर तो। ठीक है, सी है इसका उत्तर। उसके बाद हाँ कर रखा है पहले ये, थ्री फेज इंडक्शन मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर लघु पतित कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है, वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन हमारे पास होगा इसके अंदर, ग्राउलर के ऊपर अगर हेक्सा रखेंगे तो ये हुए हैं हमारे पास सिंगल फेज थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, लगभग हमने कवर कर लिया अभी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल फेज का पॉइंट। ठीक है, सिंगल फेज देखते हैं और दो चार पॉइंट मैं वैसे आपको लिखवा देता हूं भी, आप लिख लो। एक तो हमारे पास देखो जो टॉर्क और स्लिप की जो करेक्टरिस्टिक्स है, यहां पर ये बात आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है, ये जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहले इसके अंदर जो पॉइंट बनता है इसमें हमारे पास क्या होगा, यहां पर सबसे पहले स्लिप का मान क्या होगा, एक।
अगर स्लिप का मान एक हो तो हमारे पास स्पीड क्या होगी इस कंडीशन में, तो स्पीड होती है जीरो, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास धीरे धीरे क्या है, ये टॉर्क की इक्वेशन है, यहाँ पर टॉर्क है ये, ठीक है। इस साइड जाएंगे तो स्लिप हमारे पास क्या होगी, स्लिप होगी कम, कम का मतलब यहाँ स्लिप होगी जीरो। अब स्लिप जीरो हो गई तो स्पीड क्या होगी, स्पीड हमारे पास एन एस बराबर क्या होता है, एन आर होगा, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है स्लिप जीरो, तो एन एस बराबर एन आर। इस साइड में आते हैं तो यहाँ पर मान लो आपके पास स्लिप का मान एक से ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, एक से ज़्यादा हो गया, एक दो तीन जो भी स्लिप का मान है एक से ज़्यादा हो गया, तो हमारे पास स्पीड क्या होती है इस साइड में, यहाँ पर स्पीड हमारे पास नेगेटिव में होती है, ये चीज़ ध्यान रखोगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे हमारे पास जाएंगे तो इस कंडीशन में हमारे पास देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर स्लिप का मान, ठीक है, यहाँ पर स्लिप का मान जीरो से भी कम, यानी कि हमारे पास क्या रहेगा, नेगेटिव में चला जाए, तो फिर स्पीड क्या होगी, तो स्पीड हमारे पास एन आर ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, एन एस से। ये चार पॉइंट ध्यान रखने हैं, यहाँ से भी पेपर में आ सकता है स्लिप के बारे में, ठीक है। और स्टार्टिंग के अंदर पेपर में कई बार प्रश्न आया हुआ है, स्टार्टिंग में स्लिप कितनी होती है, एक लिखेंगे या 100% लिखा मिल सकता है, ठीक है ना, एक या 100%। चलो अभी उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ये लिख लिया, ठीक है। गर्म तो कौन है, गर्म है, ये होगा जनरेटिंग मोड, ये होता है मोटरिंग मोड, ये होता है हमारे पास ब्रेकिंग मोड, ब्रेकिंग मोड या रिवर्स मोड बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो भाई, अब हमारे पास प्रश्न शुरू होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना, सिंगल फेज हमारे पास जो इंडक्शन मोटर है ये, वैसे तो इसको अंदर हमारे पास एक फेज को दो फेज में हम सप्लिट करते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, एक फेज को दो फेज में सप्लिट करना पड़ता है। तो देखो मेन चीज क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है, जूल का नियम तो आप सभी को पता है, एच समानुपाती डब्लू, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आप सभी को पता है, एम समानुपाती क्यू, या फिर एम बराबर हमारे पास जेड आई टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमारे पास काम आता है मेन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सिंगल फेज के अंदर जो नियम होगा मेन कौन सा होगा, लेंज लॉ के कारण हमारे पास यहाँ पर ये कार्य सिद्धांत रहता है इसका। वैसे अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, इसके हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसके अंदर, वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, डबल रिवॉल्विंग, ठीक है, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, ठीक है, इस सिद्धांत पर यह कार्य करता है, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, ठीक है। चलें आगे, उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब ये दे रखा है सिंगल फेज मोटर क्या नाम है, नाम पूछ रखा है यहाँ पर, तो यहाँ ये हमारे पास वाइंडिंग है, दूसरी वाइंडिंग है, यहाँ पर कैपेसिटर लगा रखा है, स्विच तो नहीं है, स्विच नहीं है तो कौन सा होगा, परमानेंट कैपेसिटर हमारे पास मोटर ये हो जाएगी भी, ठीक है। परमानेंट कैपेसिटर मोटर कहाँ यूज़ करते हैं, पंखे के अंदर, सीलिंग फैन में, ये पर्सन पिछली बार एलम के अंदर आया हुआ है। सप्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या होगा, ठीक है, जो हमारे पास सप्लिट फेज मोटर है सिंगल फेज के अंदर आएगा तो कौन सा कार्य सिद्धांत होता है, लेंज लॉ ही होगा इसका। सिंगल फेज मोटर किस प्रकार के निर्देश देती है, भी ये डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर दो कैपेसिटर है, दो है तो हमारे पास क्या रहेगा, तो अब देखो कल आप बोल रहे थे ऑटो जिस चक्की के अंदर कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन, ये कोई मोटर नहीं होती हमारे पास, ठीक है, यहाँ नहीं होता हमारे पास, ऑप्शन ही नहीं है फिर तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंडक्शन नहीं होगा, इंडक्शन नहीं होता, मेन क्या रहेगा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होगा। अगर दो ऑप्शन ये दे रखे हैं तो हम इसको ही बोलेंगे, ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है। जैसे कल आप आटा चक्की वाली बात है, उसमें तो दो कैपेसिटर होते हैं, अभी भी डाउट है उसमें, कौन सी पानी कुटन के हुए हैं, है? अच्छा जो घास घूस का टिक रहा वो थोड़ी करांगा, वो तो थोड़ा अलग हुआ है ना, वो अलग है,
मैंने शायद एक बार फोटो भेजी थी ग्रुप में, देखी होगा आपने इस मोटर की जो आटा चक्की वाली की। चलो बाकी चेक कर लेंगा। है नहीं इसमें वो। चलो नेक्स्ट देखो, ये हो गया। चलो नेक्स्ट अगला देखो, एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार के कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी आपके एलम के पेपर के अंदर आया हुआ था भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एलम के पेपर के अंदर आया हुआ था। एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार के कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है, तो कौन सा होगा, रिपल्सर मोटर होगी। ठीक है, उसके बाद सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि आप यूज करते हो। सिंगल फेज हमारे पास है, उसको फेज को क्या करना पड़ता है, सप्लिट करना पड़ता है, तब शुरू कर सकते हैं। और फेज सप्लिट मोटर का दूसरा नाम रजिस्टेंस स्टार्ट। ठीक है ना, सप्लिट फेज इंडक्शन मोटर का दूसरा नाम रजिस्टेंस स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार, यहां पर ये डायग्राम दे रखा है, स्विच दे दिया और कैपेसिटर दे रखा है, तो हमारे पास कौन सा होगा, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। लेकिन यहां पर दूसरा इंडक्शन का मतलब यहां कैपेसिटर नहीं है, ये कैपेसिटर नहीं है। ठीक है, यहां पर दो कैपेसिटर होते तब इंडक्शन बोलते, फिर दो कैपेसिटर हमारे पास इसमें नहीं है, फिर सिर्फ इंडक्शन के लिए दे रखा है। बाकी मेन हमें क्या करना है, कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर। ठीक है, इंडक्शन का हमारे पास इसमें नहीं होगा, मेन रहेगा कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर। इंडक्शन नहीं होगा, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, ये रहेगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सिर्फ कैपेसिटर जो लगा रखा है वो किसके लिए है, स्टार्ट के लिए। कौन से प्रकार का, इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का कैपेसिटर होता है। अगर आपको डायरेक्ट भी पूछ लेना, कुछ नहीं दे रखा इलेक्ट्रोलाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, अभी स्टार्टिंग के लिए है या फिर हमारे पास रनिंग के लिए है, तो आप कौन सा कैपेसिटर करोगे, इलेक्ट्रोलाइट ही करना है। ठीक है, ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट से ही होता है। चलो नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास कौन सी विधि है, कैपेसिटर लगा रखा है, रेजिस्टेंस है, फील्ड वाइंडिंग है और आर्मेचर दे रखा है इसमें। ठीक है, ये विधि दे रखी है, रिड्यूस द स्पार्क ऑन द कॉन्टैक्ट। ठीक है, जो हमारे पास कॉन्टैक्ट है यहां पर स्पार्किंग कम करने के लिए। बात है यूनिवर्सल मोटर की। ठीक है, ये रहा, ठीक है ना, यूनिवर्सल मोटर के लिए होता है। उसके बाद देखो, समर्सिबल पंप को रिवाइंडिंग करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर, यही है इसका। किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है, बताओ भी, कौन सी हमारे पास वाइंडिंग है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। जो हमारे पास सप्लिट फेज होता है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सप्लिट फेज। ठीक है, सप्लिट फेज हमारे पास मोटर रहेगी, तो इसका दूसरा नाम है रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ठीक है, तो ये जो रहेगा इसके अंदर स्टार्टिंग टॉर्क है वो बिल्कुल कम होगा, इन सभी के हिसाब से देखें तो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, क्या काम करता है ये। ठीक है, जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, पर्सन पूछते हैं कहाँ लगाएंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ, ठीक है, रनिंग के साथ नहीं होगा, सीरीज में जुड़ेगा, तो क्या करेगा ये, आरंभिक वाइंडिंग को वी संयोजित करने के लिए, अलग करने के लिए। उसके बाद सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कहाँ करते हो आप, बस ये पर्सन आपके पेपर में आ जाएगा अभी। ठीक है, वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट होती है, वाउंड रोटर के साथ, वाउंड रोटर के साथ कौन सी दे रखी है, रिपल्सन,
रिपल्सन मोटर के अंदर हमारे पास रहेगा फिर वाउंड रोटर, ठीक है। नॉर्मली जो रोटर होता है वो कौन सा होता है, वो हमारे पास होता है स्क्रिल केज, ठीक है। अच्छा 17,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए तब भेज रखा है इन्होंने, 17,000 सब्सक्राइबर, और जो मैराथन क्लास है वो लगभग 18-19 हज़ार लगभग। वही तो एक कमेंट भी आया हुआ था, कमेंट में लिखा हुआ था भाई बच्चे तो है सारे 15,900 लगभग कुछ, और व्यू आगे कितने 19,000 के करीब हैं। अदर स्टेट के नहीं, जैसे एक बच्चा अगर 2-3 बार क्लिक करेगा 2-3 व्यू काउंट होते हैं, ठीक है। शायद इसी तरह से है कुछ सिस्टम। चलो कोई बात नहीं, चेक करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध होता है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रनिंग वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। अब आप सभी को पता है रेजिस्टेंस हमारे पास स्टार्टिंग का ज्यादा होता है, ठीक है। कहां दे रखा है, रनिंग का हमारे पास कम स्टार्टिंग का ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। ध्यान रखना यह प्रश्न जरूरी है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा और रनिंग का कम, ठीक है। ये हमने क्या कर रखा है एक्स भाग, ये क्या करता है अभी, ये है किस मोटर का पार्ट है, ये सेडेड पोल मोटर का। सेडेड करके हमने यहां पर एक रिंग डाल दिया, सेडिंग रिंग, ठीक है। सेडिंग रिंग का मेन काम क्या होगा, ठीक है, शेडिंग रिंग हमारे पास इनिशिएट द रोटर मूवमेंट। जो हमारे पास शेडिंग पोल मोटर होती है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए क्या रहेगा, ये होता है शेडिंग रिंग। हाँ, अनशेडिड टू शेडिड स्पीड होती है भी। हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इज रिवर्स, रिवर्स कैसे कर सकते हैं हम। चेंजिंग द सप्लाई टर्मिनल, चेंजिंग द कैपेसिटर कनेक्शन, ठीक है, चेंजिंग द मेन सप्लाई टर्मिनल इंटरचेंज करके, और बाय इंटरचेंजिंग बोथ मेन एंड ऑक्सिलरी टर्मिनल। क्या दे रखा है इसका, इंटरचेंज द मेन वाइंडिंग टर्मिनल, ना ऐसा तो नहीं होना चाहिए भी। कैपेसिटर के हिसाब से हम टर्मिनल, कैपेसिटर का डायरेक्शन चेंज करके, कैपेसिटर के कनेक्शन चेंज करके हम कर सकते हैं By interchanging main winding terminal। अच्छा main winding है, ठीक है ठीक, देखो एक मिनट, ये हमारे पास है main winding, ठीक है, ये नहीं है main, ये तो main terminal हो गए, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास रहेगी starting winding, ये starting winding है, ये होगी main winding, और ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है rotor, ठीक है। तो अब इस winding के terminal change कर देंगे तो हमारे पास के इसकी direction भी change हो सकती है। मेन वाइंडिंग की बात है, मेन सप्लाई की बात नहीं है अभी, ठीक है। तो हमारे पास यही आएगा फिर, तो फील्ड नहीं, मेन वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात, हाँ कोई भी एक का कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डीसी मोटर है, डीसी मोटर के अंदर हमारे पास आर्मेचर या फील्ड वाइंडिंग है, उनमें से किसी एक को चेंज करना। उसके बाद ये बताओ इस एकल मोटर में हमारे पास टेप स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है, यूनिवर्सल के अंदर होगा फिर तो, क्योंकि यूनिवर्सल के अंदर आप हाई लो और मीडियम वगैरह आप देखते हो, बटन से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की मोटर, यूनिवर्सल मोटर आप यूज करते हो। सिंगल फेज मोटर के अंदर रनिंग वाइंडिंग कितना रहेगा, 90 डिग्री का विस्थापन होता है, ठीक है। उसके बाद ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए आपको पता है अभी हिस्टेरेसिस मोटर का हम उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इसका नॉइस लेस होता है ऑपरेशन। घरेलू पानी पंपों के लिए हमारे पास कौन सी मोटर पसंद करते हो आप, घरेलू पानी पंपों के लिए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है, ठीक है। इंडक्शन, कौन सी इंडक्शन, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, बस इसके इसी का नाम रहेगा। किस प्रकार के मोटर में अपेक्षाकृत कम टॉर्क होता है, टॉर्क कम हमारे पास इसी में रहेगा अभी, रेजिस्टेंस स्टार्ट जिसे स्प्लिट बोलते हैं, कम टॉर्क और कम पावर फैक्टर भी, पावर फैक्टर भी हमारे पास इसका कम होता है।
उसके बाद स्प्लिट फेज मोटर में अपकेंद्री स्विच का क्या कार्य होता है? अपकेंद्री स्विच का हमारे पास मेक एंड ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग फ्रॉम सप्लाई, यही होगा। चलो नेक्स्ट देखो, अगला हमारे पास दे रखा है हाउ टू प्रोड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क इन सेडेड पोल मोटर। सेडेड पोल मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क कैसे आप करते हो? यूजिंग कैपेसिटर, यूजिंग रिंग, ठीक है, रिंग लगाएंगे। सेडिंग रिंग लगाने के बाद हमारे पास क्या है, टॉर्क बन सकता है इसके अंदर, स्टार्टिंग टॉर्क यही है, ठीक है। व्हाट इज द रीजन टू यूज ए परमानेंट कैपेसिटर इन फैन मोटर सर्किट, ठीक है। फैन मोटर के अंदर हमारे पास कौन सा होता है, सप्लिट ऑफ फेज फॉर टॉर्क, ठीक है, ये हमारे पास सप्लिट करना टॉर्क का फेज को। कौन सी मोटर में आधी कुंडली वाइंडिंग होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना भी, ये जरूरी है प्रश्न। हाफ क्वाइल वाइंडिंग हमारे पास किस में होती है, सीलिंग फैन के अंदर, और सीलिंग फैन में मोटर हमारे पास कौन सी होती है, परमानेंट कैपेसिटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ठीक है। रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है, ठीक है, रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखते हैं हम, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अच्छा, दोनों बात दे दी क्या, ठीक है ठीक है, रेजिस्टेंस तो लो होता है लेकिन हमारे पास रिएक्टेंस, इंडक्टेंस क्या रहेगा इसका, हाई होता है, ठीक है। तो ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास एक्यूरेट बी रहेगा। फिर देखो, एक तो होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा और एक्स हमारे पास कम। रनिंग वाइंडिंग की बात करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, इसका रेजिस्टेंस कम और रिएक्टेंस ज़्यादा, ठीक है। तो ये बात दे रखिए, इसका इंडक्टेंस हमारे पास क्या होता है, हाई रखने के लिए। आप देखते हो पंखे के अंदर, पंखे का जो रोटर है, एक तो हमारे पास यहाँ वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, और के बिल्कुल नज़दीक, एक हमारे पास यहाँ वाइंडिंग करते हैं, एक अंदर और, ठीक है, तो दो इसके अंदर बात आ रखी है। रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग पर, निचले भाग पर क्यों की जाती है, ये बताओ भाई। सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी की गणना करें, ठीक है, सीलिंग फैन है तो सिंगल फेज तो 90 आएगा, फिर तो कोई है इसका, और सीलिंग फैन की बात है, हाँ सीलिंग फैन में मोटर तो सिंगल फेज ही होगी, सिंगल फेज में हमारे पास कितने डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री ही एंगल होगा, ठीक है। बाकी हमारे पास 180 तो हो गया एंगल, ठीक है, टोटल एंगल, और पोल ऊपर हमारे पास रहेंगे इसके अंदर, और स्लॉट कितने हैं, 28 है, तो 14 दुनिया 28 और 90, बात तो इससे बन रही है अभी, ठीक है। ये हमारे पास 180 डिग्री जो इलेक्ट्रिकल एंगल है, 14 हमारे पास क्या दे रखे हैं, पोल, ठीक है, और 28 हमारे पास क्या, स्लॉट। यहाँ पर स्लॉट की दूरी पूछ रखी है तो उल्टा करना पड़ेगा, नॉर्मली हमने देखा था स्लॉट को ऊपर रख रहे थे, ठीक है, तब 90 आएगा। शेडेड पोल हमारे पास एप्लीकेशन क्या होगी, शेडेड पोल मोटर की, ठीक है, शेडेड पोल मोटर की एप्लीकेशन हेयर ड्रायर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर आप यूज करते हो, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए स्टेपर मोटर, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव SSD होता है, क्या बोलते हैं इसे, SSD, एक HDD एक STD, SSD का मतलब SSD होता है, कहाँ सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है क्या। चलो देखो, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाला सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या होगा। आप सभी को बताएं सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमारे पास जैसे ही 70-80% स्पीड हो जाए तो चालू वाइंडिंग को तो नहीं हटाएगा भाई, ठीक है, शुरुआती वाइंडिंग को हटा देगा, ठीक है, 70-80% स्पीड होने के बाद शुरुआती वाइंडिंग को ये डिसकनेक्ट कर देता है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर की किसी अन्य प्रकार के सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क होता है, यहां बताओ। यहां यूनिवर्सल मोटर करना है फिर आपको, ठीक है ना, यूनिवर्सल ही है, ठीक है। डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग वाइंडिंग आफ्टर रीच्ड 70-80% स्पीड, डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग कैपेसिटर आफ्टर रीच्ड स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ हमारे पास दो कैपेसिटर लगते हैं, एक कैपेसिटर तो ये और दूसरा कैपेसिटर हमारे पास ये लगता है, ठीक है। अब जो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये तो होगी स्टार्टिंग, ये होगी रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। यहाँ बीच में हमारे पास रोटर रहेगा। अब इसमें क्या होता है, एक हम लगाएंगे सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है, जो हमारे पास स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है उसको डिसकनेक्ट करने के लिए होता है यहाँ पर। लेकिन ये तो जुड़ा रहेगा, इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग जुड़ी रहेगी, ये ध्यान से पढ़ना था। तो इसमें क्या आएगा उत्तर, यहाँ पर हमारे पास डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग कैपेसिटर आफ्टर रीच्ड 70-80% स्पीड, ठीक है, डी सी आएगा इसका। यहाँ ये मोटर हमारे पास देखना था ध्यान से भी। चलो ये हो गया यूनिवर्सल, हमारे पास टॉर्क ज़्यादा। ये बताओ भी संधारित्र हमारे पास दे रखा है, इसके अंदर एकल सिंगल फेज में परमानेंट मोटर के लिए हमारे पास कैसे जोड़ते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में जोड़ दोगे आप। टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग करते हो, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, सीलिंग फैन की तरह। व्हाट इज द इफेक्ट इफ कॉयल ग्रुप कनेक्शन इज रॉन्गली कनेक्टेड इन सिंगल फेज मोटर रिवाइंडिंग, अगर हमारे पास गलत जोड़ दें, मोटर विल नॉट रन, ठीक है, फिर तो मोटर विल नॉट रन बी आएगा। उसके बाद ये कौन से दे रखिए अभी, रिपल्सन, ठीक है, यहां पर हमारे पास दे रखा है ये रहा रिपल्सन मोटर इफ द मैग्नेटिक एक्सिस शिफ्टेड टू अनदर साइड, जो हमारे पास मैग्नेटिक एक्सिस है इनको शिफ्ट कर देंगे तो फिर क्या होगा इसके अंदर, तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल चेंज। और यहां पर आप सभी को बता रखा है ये एक्सिस कभी इसके साथ 90 डिग्री पे नहीं होना चाहिए या इसके एक्स में नहीं होना चाहिए। अगर इसके एक्स में होगा तो टॉर्क क्या बनाएगा, जीरो। और मैक्सिमम टॉर्क के लिए हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क के लिए 45 डिग्री एंगल होना जरूरी है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, मोटर शुरू होने के बाद अपकेंद्री स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता तो हमारे पास क्या हो जाएगा। अगर देखो व्हाट इज द इफेक्ट सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज नॉट डिस्कनेक्टेड, सेंट्रीफ्यूगल स्विच हटता ही नहीं है, काम नहीं करेगा, तो क्या होगा फिर, स्टार्टिंग वाइंडिंग बर्न हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं सारे, ये इतने ही कर लो तो ही बहुत है सिंगल फेज का। तो हाउ द डायरेक्शन ऑफ रिपल्सन मोटर टू इज टू बी रिवर्स, रिवर्स कैसे कर सकते हैं, चेंजिंग द मेन वाइंडिंग ना, इस ए होना चाहिए, ए होगा इसका, ब्रुश, इस मोटर को ब्रुश शिफ्टिंग मोटर भी बोलते हैं, ठीक है ना, रिपल्सन मोटर भी बोलते हैं। एक हमारे पास एस चार्ज मोटर है उसको ब्रुश शिफ्ट मोटर बोलते हैं, ठीक है, हाँ जी, वहां कैपेसिटर हमारे पास अलग रहता है, वहां पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाएंगे नहीं उसके अंदर, तो उस वाइंडिंग की जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग रखेंगे, फिर लगेगा नहीं पेंट परमानेंट के अंदर। तो ये हो गया, व्हाई ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन द सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्पीड कंट्रोल मेथड, स्पीड कंट्रोल मेथड के अंदर हमारे पास जो है अपकेंद्री स्विच
कैपेसिटर क्यों जुड़ा होता है? ठीक है, यहां पर हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल के स्विच के साथ एक संधारित्र का जोड़ना क्या रहेगा, रिड्यूस द स्पार्किंग इन कॉन्टेक्ट। ये हमने प्रश्न पहले कर लिया था इस टाइप का भी एक। ठीक है, उसके बाद प्रभाव क्या होता है यदि सेकेंडरी वाइंडिंग के पूरे होने के बाद स्प्लिट फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़ गई। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट इफ सम स्लॉट इन स्प्लिट फेज मोटर लेफ्ट आउट विदाउट वाइंडिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंसेंट्रिक वाइंडिंग के अंदर। तो हमारे पास क्या रहेगा, कहां दे रखा है, वर्क नॉर्मली, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके अंदर। उसमें हाउ द रेसो इंटरफेरेंस कैन बी सुप्रेस्ड इन सेंट्रीफ्यूगल स्विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर। सार्वभौमिक मोटरों की गति नियंत्रण के अपकेंद्रीय स्विच विधि में रेडियो रेडियो व्यक्तिकरण को कैसे दबाया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल के साथ स्विच जोड़ेंगे, ये कैपेसिटर जोड़ेंगे, क्या दे रखा है इसका, ठीक है मेन। तो एक तो हमारे पास इसका काम हो गया स्पार्किंग कम करना, दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, बाई कनेक्टिंग कैपेसिटर अक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है ना, ये हमारे पास दूसरा इसका पॉइंट रहेगा कि यूनिवर्सल मोटर की बात आई है, यूनिवर्सल मोटर के अंदर भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगता है, वो क्या करता है, एक तो स्पार्किंग कम करने के लिए इसके साथ कैपेसिटर जोड़ देंगे, दूसरा हमारे पास क्या है, रेडियो इंटरफेरेंस को हमें सही करने के लिए हम क्या जोड़ते हैं, कैपेसिटर को जोड़ते हैं। ठीक है ना, सीरीज में कौन सा, यहाँ पर अपकेंद्रीय स्विच के साथ श्रेणी क्रम में संधारित्र को जोड़कर, और यहाँ क्या है, बाई कनेक्टिंग कैपेसिटर अक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल स्विच। हाँ, यहाँ दोनों स्विच अपकेंद्रीय स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़ेंगे, यहाँ पर यहाँ एक हो जाएगा दोनों साइड में, क्योंकि हमें क्या करना है, मेन हमें रेडियो इंटरफेरेंस को कम करना है, इसको कम करने के लिए दोनों ओर कैपेसिटर जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, चलो ये हुआ हमारे पास, अल्टरनेटर शुरू हो गया भाई। ठीक है ना, अल्टरनेटर आवाज रुक है सर बार बार ना भाई, चेक करो एक बार, चेक करना एक बार आवाज सही आ रही है क्या मेरी, सही यार ज्यादा पी लिया आज, चाय ले लो आप, आधी आधी कर लो दोनों। चलो अभी कितना देंगे इसमें अल्टरनेटर, ठीक है, उसके बाद बस लास्ट है ये, अच्छा चलो फिर तो बढ़िया है। एक आदर्श अल्टरनेटर में, आइडियल अल्टरनेटर में फेज बटा ईएमएफ की गणना करने के लिए, देखो बटा वाला तो हमारे पास कभी नहीं आता, दो का नहीं आएगा तो बचेगा क्या, एक ही बचता है बस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, सी दे रखा है, डी होगा, हाँ क्या पूछ रहे, पूछो, हाँ ट्रांसफॉर्मर के जैसा ही होता है सेम। ठीक है, वो देख बता दूंगा मैं, ट्रांसफॉर्मर के अंदर देखो 4.44 फाई हमारे पास होगा, एफ होगा और एन होता है, ये हमारे पास होता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर। ठीक है, हाँ जी सरदार जी, बस कोई बात को नहीं, एक तारीख को आपको मैं मिलूंगा डाउट के लिए। सर जी कौन सी बुक से करवा रहे हो आप, ये बुक है भी निमी पैटर्न की, ठीक है, जो इसकी मैंने पीडीएफ जो है वो HSSCALM9 ये टेलीग्राम चैनल है इस पर अपलोड कर रखी है। ठीक है,
अभी तक नहीं, एलम के अंदर एक बार तो बच्चों का सिलेक्शन करवा दिया 150+, ठीक है, अब की बार और करवाएं, इस तरह से लगातार 9 तक चलना है, उसके बाद आराम से बैठ के खाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन हो जाएंगे सभी के, बढ़िया, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लग तो रहा है मुझे, वैसे ना कोई याद कौन करे गुरु गर्म बाद में लगना है बाद। नहीं नहीं कोई याद नहीं करता अभी, ये तो साउंड ठीक है भाई, साउंड ठीक है, साउंड ओके, एक बार आप दोबारा ऑन करो। देखो भाई अल्टरनेटर में ईएमएफ, ठीक है, यहां देखो प्रेरित ईएमएफ की बात आ जाए तो हमें क्या करना है, राइट हैंड रूल यूज करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको पार्ट दे रखा है अल्टरनेटर के भाग का आप नाम बताओ, ठीक है ना, अगर हमारे पास इस टाइप का पार्ट हो तो कौन सा होगा, सैलिएंट पोल है, सैलिएंट पोल, ठीक है। देखो एक चीज ध्यान रखना, सैलिएंट पोल हमारे पास कौन सी स्पीड के लिए, स्लो स्पीड के लिए होता है, ठीक है, इसमें पोल क्या होंगे, ज़्यादा हमारे पास पोल होते हैं, इसका डाया क्या होगा, डाया हमारे पास इसके अंदर ज़्यादा होता है, और इसकी डाया ज़्यादा तो लेंथ क्या होगी, लेंथ हमारे पास कम होती है इसकी, ये बातें डायरेक्ट पूछते हैं, ठीक है, हाँ। उसके बाद अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना करने के लिए हमारे पास कौन सा सूत्र होगा, 4.4 यही होगा ऑप्शन ए, ठीक है, है? नहीं है फ्रीक्वेंसी, आगे और देख लेते हैं, हाँ यहाँ होगा भी, पहले वाले में फ्रीक्वेंसी नहीं था, ठीक है, तो ये ध्यान से देखना है, 4.4 यहाँ देखो के डी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, के डी बराबर साइन बीटा बटा 2 और एम साइन, ठीक है, ये होता है के डी, केसी होता है कॉइल स्पेन फैक्टर, और केसी हमारे पास क्या होगा, कोस अल्फा बटा 2, अगर हार्मोनिक कम करने हो तो यहाँ एन लगा देंगे, ठीक है ना, हार्मोनिक के लिए एन लगाते हैं यहाँ पर। उसके बाद अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है भी, अल्टरनेटर की ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किस में होती है, केवीए के अंदर। उसके बाद अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज के लिए हमारे पास आपको वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रखा है, नो लोड माइनस फुल लोड विद रिस्पेक्ट टू फुल लोड बटा में क्या होगा, गुणा में होगा 100, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। उसके बाद 1000 RPM आपको यहां पर फ्रीक्वेंसी पूछ रखी है, अगर 6 पोल हो 1000 स्पीड हो तो 50 Hz आएगी, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है अभी, एन एस गुणा में पी बटा में 120, ठीक है, ये भी फॉर्मूला एलम के पेपर के अंदर पूछा गया था, ये फॉर्मूला पूछा गया था, एन एस कितना है 1000, ठीक है, गुणा में पी कितने हैं अभी 6 और 120 002, ठीक है, 50 आ जाएगा। उसके बाद 50 Hz की आवृत्ति के लिए 2 पोल के लिए कितना होगा, 3000 स्पीड होती है, ये करने की जरूरत ही नहीं है। 2 अल्टरनेटरों के समानांतर चालन के लिए, हाँ ये प्रश्न करने जरूरी है भी, डायरेक्ट लैंप वगैरह, ठीक है ना, ये डायरेक्ट लैंप विधि है, ये आप करोगे जरूरी चीज़ें। 2 अल्टरनेटरों के समानांतर संचालन के लिए डायरेक्ट लैंप विधि में लैंप की स्थिति में बुझ जाता है, टर्मिनल वोल्टेज, और टर्मिनल वोल्टेज से बात नहीं बनेगी, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो तो बात बनेगी, ठीक है, अगर हमारे पास वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इक्वल होगा तो हमारे पास क्या, डार्क लैंप के अंदर जो एक लैंप है वो क्या हो जाएगा, बुझ जाता है, डार्क ही होता है, इसके अंदर लाइट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट देखो, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे कर सकते हो आप, डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव हमारे पास कैसे कर्म कर सकते भरपाई कर सकते हैं, कम तो नहीं करेंगे भी, इंक्रीज करेंगे, ठीक है, अगर हम फील्ड एक्साइटेशन है उस करंट को इंक्रीज करेंगे तो जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है वो किस में बदल जाएगा,
मैग्नेटाइज के अंदर बदल जाता है। उसके बाद यूज ऑफ सिंक्रोनोस्कोप कहाँ यूज करते हैं अभी, ठीक है ना, सिंक्रोनोस्कोप का यूज करते हैं फेज सीक्वेंस, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने के लिए हमारे पास क्या करते हैं यूज, डीसी प्रदान करने के लिए उपकरण का नाम एक्साइटर होगा, एक्साइटर के रूप में क्या यूज करते हैं, डीसी संट, ठीक है, या कंपाउंड। उसके बाद डैम्पर वाइंडिंग का मुख्य काम क्या है, यहां देखो डैम्पर वाइंडिंग का हमारे पास मुख्य काम क्या होता है, कौन सा, सिंक्रोनोस्कोप का उपयोग समानता के लिए सही तुरंत संकेत देता है, सिंक्रोनोस्कोप का। चलो बाकी ठीक है, डी करो फिर इसका। टेम्पर वाइंडिंग हमारे पास इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, हंटिंग इफेक्ट को कम करना, ठीक है। टेम्पर वाइंडिंग आज सुबह मैंने बताया था, एक तो हंटिंग इफेक्ट, दूसरा स्टार्टिंग करने के लिए, ठीक है। अल्टरनेटर के समानांतर संचालन में से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जा सकता है, ठीक है, फेज सीक्वेंस हमारे पास जरूरी है भाई। उसके बाद चार पोल है हमारे पास, 50 हर्ट्ज तक कितना आ जाएगी स्पीड, 1500, ये करने की जरूरत नहीं है, 120 f/p। दो अल्टरनेटरों के समानांतर होने के दौरान दो लैंप किस हालात में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है, बी आएगा, पहले वाला क्या था, इसमें डार्क ड्यूरिंग लैंप, डार्क ड्यूरिंग हमारे पास कौन सा होगा फिर इसके अंदर, इसके अंदर हमारे पास यही है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का इक्वल होना। यहां हमारे पास क्या है, दो अल्टरनेटर को हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, दो अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ेंगे तो वहां पर हमारे पास, हम ये टेस्ट करते हैं डार्क लैंप टेस्ट, ठीक है, डार्क लैंप टेस्ट को हम तीन फेज है उनके साथ जोड़ेंगे। तो यहां पर क्या दे रखा है, अगर दो अल्टरनेटर है उनको पैरेलल में जोड़ दिया, उस दौरान दो लैंप किस हालात में जलते हैं और एक हमारे पास लैंप बुझ जाता है, तो ये कब होगा, जब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम होगी, क्योंकि मैंने बता रखा है अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ेंगे या फिर ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ते हैं तो कौन सी कंडीशन जरूरी होती है, फेज सीक्वेंस जरूरी होता है, वोल्टेज जरूरी है, फ्रीक्वेंसी जरूरी है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जरूरी होती है। अगर हमारे पास ये इक्वल होगी तो हमारे पास एक लैंप बुझेगा, इसका मतलब सही है सब कुछ सिस्टम, ठीक है, तो हमारे पास चेक करना पड़ेगा फिर इक्वल नहीं है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, उसके बाद यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, ठीक है, तो भार बढ़ेगा तो हमारे पास कम क्या हो जाएगा, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, किसके कारण, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम होता है। अच्छा, आर्मेचर रिएक्शन तो उसमें है फिर, डीसी में है, यहां पर आर्मेचर रेजिस्टेंस, एक बार देखना आंसर क्या दे रखा है, डी है, ठीक है, फिर तो आर्मेचर रेजिस्टेंस, हाँ ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो भी, एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का हमारे पास प्रिवेंट हीटिंग, अच्छा ये हीटिंग है, हंटिंग नहीं है, ये रहेगा प्रिवेंट द हंटिंग इफेक्ट, ठीक है, ये हीटिंग है। उसके बाद ये हमारे पास एक दे रखा है आपको, ये मेन आर्मेचर है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, फील्ड है, ये एक्साइटर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ब्रशलेस अल्टरनेटर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कैलकुलेट करनी है आरपीएस, ठीक है, आरपीएस का मतलब क्या रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना, राउंड पर सेकंड होगा ये, इसको करेंगे कैसे करेंगे भी, 120 गुणा में 50/2, ठीक है, ये हमारे पास किस में निकलता है, ये आरपीएम में निकलता है,
और हमें किस में निकालना है, हमें निकालना है आरपीएस के अंदर। तो क्या करेंगे, बटा में 60 आप और करोगे, ये चीज ध्यान रखना, नई बात है ये आरपीएस, रिवोल्यूशन पर सेकंड, सेकंड में करने के लिए बटा में हमारे पास 60, ये कैंसिल, 6 दूनी 12 ठीक है, और कितना आ जाएगा, अच्छा 50 ठीक है, ठीक है ध्यान रखना ये। What is the advantage of using rotating field type armature alternator? ठीक है, rotating type alternator है, उसका हमारे पास क्या advantage होगा भी? ठीक है, उसका advantage क्या होता है? दो slip रिंगों की आवश्यकता होती है, चाहे हमारे पास फेजों की संख्या कितनी भी हो। इसीलिए जो भी हमारे पास alternator होता है, उनको लगभग हम क्या करते हैं? Advantage करते हैं किसका? Rotating field type बनाते हैं उसका। ठीक है, armature को क्या रखते हैं? उसके अंदर स्थिर रखते हैं फिर। आर्मेचर को स्थिर और घुमाएंगे किसको? फील्ड को, क्योंकि फील्ड को क्यों घुमाते हैं? हल्की होती है और दो स्लिप रिंग चाहिए बस। ठीक है, चाहे कितने ही फेज हो, उसमें हमारे पास ज़्यादा चाहिए फिर। अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव होता है? ठीक है, अगर हमने क्या किया, व्हाट इज द इफेक्ट इंक्रीजिंग द फील्ड एक्साइटेशन करंट इन अल्टरनेटर, तो क्या इफेक्ट होगा अल्टरनेटर के अंदर? ठीक है, डीमैग्नेटाइजिंग से बचने के लिए क्या, ठीक है, प्रिवेंट डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, इससे बचने के लिए क्या करेंगे, करंट को बढ़ा देंगे भी, फील्ड करंट को बढ़ाएंगे। अल्टरनेटर में 30 डिग्री कोण दे रखा है और 36 के स्लोट हमारे पास है, तो केडी की गणना करो भी, केडी हमारे पास कितना होगा इसके अंदर, केपी, हाँ केपी, केपी हमारे पास कोस अल्फा बटा दो वही लगेगा, पिच फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है, तो उससे निकल रहा है ये कॉइल पिच बटे में पोल पिच। ठीक है, ये तो हो गया, पोल पिच निकालने के लिए स्लोट बटे में पोल, 36 बटे में 4 कितना आएगा, 9, तो ये हमारे पास, ये तो फिर पोल पिच आएगा, अब 30 बटा में 2 करें तो 15 आता है, तो 15 कोस 15 का मान, कोस 15 का मान वो चेक करना पड़ेगा फिर, तो वैसे कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान, साइन नहीं, कोस, कोस 30 का रूट 3 बटा 2 हमारे पास रहेगा। ठीक है, रूट 3 बटा 2 हमारे पास, ये है कोस 30 का मान, तो हाँ आधा फिर मैं सोच रहा था, बाकी नहीं होगा आधा से, तो बाकी आप डायरेक्ट इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला तो यही रहेगा भी, कोस अल्फा बटा 2, अल्फा कितना यहाँ पर 30 है और 2 करेंगे कितना आएगा 15, अब कोस 15 का मान हमें देखना पड़ेगा, कैलकुलेटर से चेक करना पड़ेगा भैया, तो है कोई कोस यहाँ पर करना है हमें 15, कितना आ रहा है इसका, चलो बाकी बिना कैलकुलेटर सोल्व ही नहीं होगा ये। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आंसर याद रखो इसका। चलो उसके बाद बताओ, अल्टरनेटर में हंटिंग प्रभाव का क्या कारण है, हंटिंग प्रभाव हमारे पास क्या होता है? ठीक है, हाँ उतार चढ़ाव जरूर आएगा भी, हमारे पास क्या रहेगा, लोड में उतार चढ़ाव होना, लगातार उतार चढ़ाव होना, गति के अंदर नहीं लोड के अंदर। एक अल्टरनेटर में लोड हटा दिया जाता है तो हमारे पास वोल्टेज 480 से कितनी हो गई 660, तो वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है आपको, तो नो लोड माइनस फुल लोड विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास फुल लोड, तो ये तो आप कर ही दोगे, परसेंटेज डायरेक्ट निकल जाएगा।
तो ये हो गया हमारे पास, ये कौन सा है? अच्छा सिंक्रोनस मोटर और है, ठीक है ना, ये और करेंगे, ये और करने हैं। कन्वर्टर का नाम क्या रहेगा यहाँ पर? यहाँ पर हमारे पास क्या है, SCR दे रखे हैं, तो ये क्या रहेगा कन्वर्टर हमारे पास? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ये SCR है। SCR के बारे में कई बार बता दिया मैंने भी। SCR के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, चार लेयर है, तीन टर्मिनल है, तीन जंक्शन होते हैं, चार लेयर, तीन टर्मिनल, तीन जंक्शन। ये हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास होता है रोटरी कन्वर्टर, ठीक है, डायरेक्ट डायग्राम मिलेगा। सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए DC आपूर्ति क्यों आवश्यक है? DC सप्लाई क्यों दे रहे हैं अभी? मोटर को ओवर नहीं, शुरुआत, शुरू में मोटर स्टार्ट करें, रिड्यूस रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड, यही रहेगा फिर तो, ठीक है, इसका हमारे पास D। नेक्स्ट चलो भी, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है वो हमारे पास कौन सा होगा? ठीक है, वो हमारे पास सिंक्रोनस कन्वर्टर बोलते हैं इसे, ठीक है। इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों का कार्य कर रहा है ये। इन्वर्टर का क्या कार्य होता है भी, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या करेगा, DC to AC भी उत्तर आएगा, पल सेटिंग नहीं होगा, ये रहेगा डायरेक्ट DC to AC चेंज करता है इन्वर्टर। कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है, ठीक है, कौन सा डिवाइस हमारे पास ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है, रेक्टिफायर यूनिट, रेक्टिफायर यूनिट रहेगी इसकी। सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए एक्साइटर क्यों आवश्यक है, ठीक है ना, ये हमने अभी देखा है, रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड के लिए, ऑप्शन D इसका, ये अभी किया है हमने। किस एप्लीकेशन का को केवल DC की आवश्यकता होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए सिर्फ DC की आवश्यकता होती है, ठीक है, बैटरी के अंदर भी। Why the LED are avoided as converter in rectifier diode? ठीक है, इसमें हमारे पास अवॉइड क्यों करते हैं इसको? LED की पावर बिल्कुल भी बहुत कम होती है, ये प्रश्न भी पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना, LED की पावर हमारे पास बहुत कम होती है। उसके बाद सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा होगा, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग हमारे पास क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है पावर फैक्टर कोरेक्शन डिवाइस, ठीक है। संट प्रकार हमारे पास क्या है, जो कॉन्स्टेंट रहे, वही तो मैं बता रहा हूं, देखो इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा, कॉम्युलेटिव भी कर सकते हैं और संट भी करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास अवेलेबिलिटी रहेगी वो ज्यादा करेंगे फिर, ठीक है। मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या होता है भी? मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या रहेगा? DC आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजिली कंट्रोल कर सकते हैं DC मोटर जनरेटर सेट के अंदर, ठीक है, ऑप्शन D। रोटरी कन्वर्टर के भाग X का क्या कार्य है? X हमारे पास क्या दे रखा है, ये X होता है कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर क्या काम करता है, AC को DC में चेंज करेगा, ठीक है ना। उसके बाद पर्पज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन सिंक्रोनस मोटर एज स्टार्टिंग, स्टार्टिंग के लिए हमारे पास जो डैम्पर वाइंडिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं? हाई वोल्टेज इनिशिएट रोटेशन, हाई करंट एट स्टार्ट और प्रोड्यूस टॉर्क एंड रन, ठीक है, एक नियत गति बनाए रखने के लिए मेन यही रहेगा इसका फिर, ठीक है। क्या उत्तर दे रखा है इसका, यही है, ठीक है। डैम्पर वाइंडिंग हमारे पास एक तो हंटिंग इफेक्ट, एक स्टार्टिंग के लिए, दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोड्यूस ए हाई मैग्नेटिक फील्ड, मेंटेन ए कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट जो हमारे पास स्पीड है, स्थिर स्पीड है, उसको मेंटेन करने के लिए भी डैम्पर वाइंडिंग है, ज़्यादा उतार चढ़ाव ना आए। सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती, ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा, एक्साइटेशन हमारे पास इसके अंदर अपर्याप्त होती है। अभी सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग करते हो आप, ठीक है, हमारे पास लोड नहीं होना चाहिए, कहाँ दे रखा है, वेयरिंग द रोटर एक्साइटेशन, क्या इसका उत्तर बी है, ठीक है। फिर तो
जो हमारे पास सिंक्रोनस मोटर है उसको कैपेसिटर के रूप में, जो पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए कंडेंसर के रूप में एक्साइटेशन, इसके अंदर क्या होना चाहिए, ओवर एक्साइटेशन होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा हमारे पास इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, नो लोड पर होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या कार्य है, ठीक है ना, ये कई बार आ गया प्रश्न में, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए। कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है, ठीक है, SCR बढ़िया रहेगा कन्वर्टर। उसके बाद कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारक के रूप में काम करती है, ठीक है, ये हमारे पास क्या रहेगा, वेरिंग द फील्ड एक्साइटेशन को, यही है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेमेस्टर कौन सा था, तीसरा सेमेस्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया भाई, ठीक है, तीसरा सेमेस्टर भी कंप्लीट कर लिया। जितने ये करवा रहा हूँ मैं, इनको तो पक्के आप जरूर करोगे, ठीक है, इनको पक्के करना जरूरी है। चलो फिर एक बार रिपीट ज़रूर कर लेना, ये जो लगभग कितने टाइम की क्लास हुई अभी, अभी देखो भी लगभग दो हुए नहीं, पौने दो घंटे हुए हैं लगभग, ठीक है, 1 घंटा 47 मिनट में तीसरा सेमेस्टर भी पूरा हो गया।